मैदान है, भले नहीं खेलेंगे यहाँ स्टेडियम के लिए अनुशंसा कर दिए हैं। अच्छा, हो गया है ना? हाँ, एक आध दो महीना में इसका स्टेडियम अब उससे बनाना है, सुबह बनेगा तो जो स्टेडियम होता है बड़ा स्टेडियम उस टाइप का बनेगा। अभी इसको हम लोग लेवल करके और 10-15 फीट पर देखिए बल्ला लगा गार्डवाल अभी झंडा मतलब किनारे किनारे के लिए बांस दे करके ताकि लगे कि नहीं जैसे गाड़िया वाला है नजर आने लगेगा। मैदान रहता है, मैदान है खाली है तो जिधर मन किया उधर गाड़ी चल गया, तो थोड़ा अगर लुकिंग टाइप का हो जाए और एक बोर्ड लग जाए लिखा हुआ कि वर्जित है यहाँ के वाहन, उधर भी लगा दो, इधर हम लोग रास्ता अभी बनवा देंगे जो है गाड़ी लगा हुआ है उधर किनारे किनारे रास्ता बना देंगे, यहाँ ग्रेडिंग करा देंगे रास्ता का रूप हो जाएगा, तो हम लोग बोर्ड लगाएंगे उधर भी उधर भी कि मैदान के अंदर दो चक्किया चार चक्किया गाड़ी का प्रवेश। तो जो रोड बनाने की बात बोल रहे थे किसके लिए, भवन के लिए सिर्फ और वो जो बन गया है इंडोर स्टेडियम चाहिए रास्ता, तो हम लोग जब उसको ग्रेडिंग कर देंगे अभी तो उसके लिए भी हो गया उधर उसके लिए भी हो गया, भविष्य में रास्ता उधर ही रखना पड़ेगा। ऐसे रास्ता उन लोग देगा मन के एक जगह जगह जाना है तो कहा तो आई तक है, हम तो बोलेंगे कि इधर कोने से सीधे सीधे निकाल देंगे से ठीक है। होली में तो बना चालू किए हैं, जंक्शन हुआ है जब हजारीबाग मुक्ति धाम में ना अपना, तो उसी का नक्शा बनवाए हैं, एक ठो बन जाएगा तो उसके बाद कहीं कहीं और बनाएगा, मतलब 100 जलाने वाला। हां 100 जलाने के लिए देखिएगा, मान लीजिए नहीं अभी बन लगवाए वहाँ का, अब जैसे आप लाए चिता में चढ़ा दे अब पानी शुरू हो गया तो सब आदमी मतलब मन में दूसरे का भाव आता है ना, उसका भी देख के ख्याल रखना, अगर वो रहेगा तो पानी का समस्या समाप्त हो गया ठीक है। बैठने के लिए मान लीजिए है या आप बनाना पड़ेगा तो अलग से बनाया जा सकता है, चतरा में भी देखे हैं जैसे करके सेट दे दिया बीच में खाली जगह छोड़ दिया है नीचे भी खाली रहता है यहाँ पर उसी टाइप का पहले अच्छा बगल में बना दिया लेकिन उधर अगर आगे तक होगा सटल उधर तो रोड उधर से नहीं निकालेंगे, रोड इधर से निकल जाएगा है ना, और ये निकलेगा तो हम लोग इसको शमशान तक उसका एकदम रोड का किनारे किनारे कर देंगे, स्टेडियम जो बनेगा तो रोड के इधर है ना, बहुत बढ़िया वो प्लानिंग से हो जाएगा। क्या होगा कि बैराज भी है उधर नदी है ना, तो अगर नदी में किसी जाना है तो रोड रहेगा तभी जाएगा ऊपर, तो दोनों काम आ जाएगा। टंडवा का समझिए कि नाज है, कहीं टंडवा जगह नहीं आप बैठ सकते घूम सकते कहीं नहीं जगह, इसलिए इतना बढ़िया आपके मत से अगर बढ़िया हो जाए आपकी व्यवस्था से और सुंदरीकरण बढ़िया हो जाए। एक चीज बताते हैं आपको ध्यान लगाइए, आज से 10-20 साल चाहे अभी हो आप शहर में जाइए जहाँ बहुत गंदगी है, नाली का पानी निकलता है वहाँ सुअर रहता है, आदमी इतना गंदा रहता है वहाँ पेशाब करने के भी नहीं जाता है, और आज उसी जमीन को बिल्डर खरीद रहा है और उसको डेवलप करके देखिए वहाँ फ्लैट बना दिया, और उसमें बड़ा बड़ा अफसर बड़ा बड़ा नेता उसी में रह रहा है, तो कल तक ये मरघट्टी के रूप में भला ही था लेकिन इसका भी भाग्योदय होगा। अभी आपका वो स्टैंड बना रहे हैं ना, कल इधर क्या आज से 10-20 साल पहले सोचित क्या स्थिति था इधर, कुछ भी था क्या? कुछ नहीं था। आज बस स्टैंड आपका बन जाएगा तो आपका ये पूरा चौक जो है रौनक बढ़ जाएगा, 10-20 रुपया रोजी रोजगार मिल जाएगा। एक चीज यार आप एक बार बोले थे वहाँ पर उस एरिया में जहाँ आप बस स्टैंड की बात बोल रहे हैं कि सिटीजन पार्क बनेगा, कोई बात नहीं, बस स्टैंड सबसे आवश्यक चीज में आता है, जब वो बन जाएगा मैदान ही मेरा बन गया तो फिर कहने नहीं चार चांद लग जाएगा, जो पार्क बोले थे तो पार्क के रूप में ठीक कर दिया हो जाएगा तो बढ़िया हो गया, बगल में बस एरिया जब घेरा जाएगा ना पूरा प्रोटेक्शन हो जाएगा तब सेफ रहेगा। बच्चे लोग आए लगे मेन बच्चे लोग नहीं आते हैं, आज तक यहां कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, इसे चलते 400 लोग को अपने आप रोजी रोजगार मिल जाएगा। या पार्क पे बोले आप वहां जो सत्यार है चौक पर वहां 2-3 रूम भी बनाना है आगे साइड, जैसे ठाकुर वहां दुकान देंगे
तो कहाँ हटा के फेंक दीजिएगा। तो वो मेरा अगर वहाँ चार को दुकान बना देते हैं तो चार दुकान के अगर भाड़े पर दे देंगे और 3,000 रोज देगा तो 4 × 3 = 12,000 आया। तो 12,000 में 10,000 में तो गाड़ रखेंगे वहाँ, अंदर में फूल पत्ती लगेगा, पार्किंग जैसे होता है पार्क है ना, और जगह जगह पर बैठने वाला सीमेंटेड जैसे चुनरूम कैसे बनाए थे उस टाइप का बना देना है, ठीक है, फूल पत्ती लगा देना है, छतरी लगा देना है। तब कन्हा यहाँ होटल में कहाँ बैठेंगे, हैं बोलेगा जरा चाय लाओ 10 बजे यहीं बैठ के चाय पियेंगे, हो जाएगा, डेवलप भी हो जाएगा, एकदम बढ़िया है, जो भी आपका मन में है ना उसको एकदम करिए, सोचा हुआ काम है, बहुत बढ़िया है चीज, बहुत बढ़िया। कोई भी उस पार्क में जाएगा बाउंड्री के किनारे किनारे लगाएंगे बड़ा फूल जो होता है, जैसे मान लिया कि उड़हुल हो गया या कंडील वाला हो गया, मतलब जो बड़ा हो जाता है, और बीच में रहेगा गुलाब गुलाब छोटा छोटा फूल जो सीजनल फूल होता है, हाँ, ये सब लगाएंगे। कोई भी जो घर में जैसे हम जाते थे मॉर्निंग वॉक, हम लोग जाते थे लबनिया मोर है लेसुकवा, तो उधर तक जाते थे, तब इधर दूसरा बाय वाला काम हो गया, अब तो बहुत हो गया, बहुत तरह बात है, ठीक है। अब जब जाते थे जब ट्रकवा चलता था तो रास्ता ही लहले है ना, रास्ता हिलता था तो डर से हम लोग फिर छोड़ दिए। आज हम लोग हाई स्कूल ग्राउंड में आए हुए हैं जो बगीचा है, बहुत सालों से बहुत महीनों से ये खराब पड़ा हुआ था और काफ़ी जो बच्चे लोग हैं खेल नहीं पा रहे थे, उसके चलते क्या हो रहा था कि बच्चे लोग मोबाइल के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे। सो लोग कहते थे कि यार कहाँ जाएंगे, ग्राउंड तो है ही नहीं, कहाँ खेलेंगे, वहाँ ग्राउंड तो पूरा ख़राब हो चुका है। लेकिन हम लोगों ने कुछ बच्चों के साथ विधायक जी के साथ अप्रोच किया और उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस के साथ हमारे साथ वो बगीचा आए और अपने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपना काम स्टार्ट करवा भी दिए हैं। ये आपके सामने है ग्राइंडर भी, देखिए आपके सामने रखा हुआ है और ये कुछ ही क्षण में स्टार्ट होगा इनके पहल से। मैं तहे दिल से इनको स्वागत करता हूँ। ये हमारे सिमरिया विधायक क्षेत्र के श्री कृष्ण कुमार दास जी हैं। मैं इनके चाहता हूं कि इनके जो सोच है मैं इनके तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनका वेलकम करता हूं इस बगीचा ग्राउंड में। तो मैं जानना चाहता हूं कि इनका क्या सोच है इस ग्राउंड के प्रति। सर्वप्रथम जितने भी यहां हमारे गाँव के बुद्धिजीवी और जितने भी नौजुवक साथी जो खेल में रुचि रखते हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं और सबको दीपावली छठ और चित्रगुप्त पूजा की बधाई भी देते हैं, शुभकामना भी देते हैं। जैसा कि ये बसंत जी बता रहे थे क्योंकि एक साल पहले इस मैदान का हम लोग सुंदरीकरण कराने का काम किए थे, मिट्टी उट्टी भरवाए थे, इस बार बारिश में और लोकल गाड़ी चल करके मैदान को खराब कर दिया गया। और कल बसंत जी के नेतृत्व में कुछ युवा साथी मेरे पास आए थे और इनकी बातों को संज्ञान में लेते हुए आज हाइड्रा के माध्यम से इस मैदान का समतलीकरण शुरू करा दिया गया है। और यह कैसे अच्छा रहे, कैसे यहाँ के युवा साथी इसका लाभ उठा पाए, इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं और बहुत जल्द यहाँ एक भव्य स्टेडियम का भी निर्माण होगा, वह भी प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्द टेंडर होना है उसका। अब चूंकि आप सबको पता है कि बैराज बनने के बाद यहाँ बस स्टैंड समाप्त हो गया था और फिर से बस स्टैंड कैसे बने इसके लिए बगल में ही जगह का चयन किया गया है, सीसीएल से उसका टेंडर भी हुआ लेकिन तकनीकी कारणों से उसका फिर से टेंडर हो रहा है और छठ के बाद वहाँ भी मिट्टी भराई का काम शुरू हो जाएगा और छठ के बाद वहाँ समता बस भी लगना शुरू हो जाएगा और जब बस स्टैंड होगा तो सैकड़ों लोगों को रोजी रोजगार भी मिलेगा। तो आज के समय में टंडवा का कैसे सुंदरीकरण हो, टंडवा का लुक कैसे बदले, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं और बहुत जल्द बहुत चीज़ों को लाने वाले भी हैं जो टंडवा का मान गौरव को बढ़ाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के श्री कृष्ण कुमार दास जी, जिन्होंने बताया कि इनका सोच यहाँ पर बाद में स्टेडियम बनाने की है और अभी जो फिलहाल इन्होंने जो पहल किए हैं कि इनको सुदृढ़ीकरण करना हो और जितने भी कोशिश है कि इसको जितने भी बच्चे हैं
जो ये सोच के नहीं आ रहे हैं कि ग्राउंड खराब हो चुका है और मोबाइल के प्रति जो आकर्षित हो रहे हैं, मोबाइल में अपना टाइम पास करें वो ना करें और सभी ग्राउंड में आए। और जैसा कि अपने विधायक जी बताया है कि बाद में स्टेडियम बनेगा, और अभी जो वो कर रहे हैं कि फिलहाल ऐसा कर दिया जाए कि खेलने के लायक बना दिया जाए, और जो जो बुजुर्ग हैं, जो युवा हैं, जो वॉकिंग करना चाहते हैं, जो दौड़ना चाहते हैं, वो आगे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।